तेलंगाना के वारंगल से बड़ी खबर, जहां फर्नीचर की गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद अब आग लगने की जांच की जा रही है। बड़ी खबर तेलंगाना के वारंगल से, जहां पर फर्नीचर की गोदाम में आग लगी हुई है। हद दर्जे का शातिर है। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इंपर्सोनेट करता था, आवाजें बदलता था। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। जबकि 2010 से 2014 के बीच ये आंकड़ा 70 के करीब था। इधर महाराष्ट्र के वर्धा में अलग विदर्भ की मांग पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को काले झंडे दिखाए गए। सीएम एकनाथ शिंदे मराठी साहित्य सम्मेलन में लोगों को संबोधित कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। हालांकि इस दौरान पुलिस के जवानों ने उन लोगों को हिरासत में ले लिया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे विदर्भ के दौरे पर हैं। इस बीच पुतिन की सेना को खदेड़ने के लिए जेलेंस्की ने नेटो को हथियारों की एक लिस्ट सौंप दी, क्योंकि जेलेंस्की को आशंका है कि पुतिन नए सिरे से यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, जिससे निपटने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने देश की सेना को मजबूत करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में जेलेंस्की ने रूस को करारा जवाब देने के लिए नया प्लान तैयार किया है, जिसके तहत उन्हें पश्चिमी देशों से कई आधुनिक हथियारों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने नेटो को हथियारों की एक लिस्ट भी सौंपी है, ताकि आने वाले दिनों में उन्हें पुतिन के आगे सिर न झुकाना पड़े। जबकि हाल ही में नेटो के कई सदस्यों ने यूक्रेन को ताकतवर टैंकों से लेकर बख्तरबंद गाड़ियों और मिसाइलें देने का ऐलान किया है। इसके बावजूद जेलेंस्की को डर है कि सिर्फ इतने से हथियारों से वो पुतिन के सैनिकों को खदेड़ नहीं पाएंगे, और यही वजह है कि उन्होंने नेटो के सामने यूक्रेन को और हथियार देने की मांग कर दी, जिनमें सबसे पहले वो लड़ाकू विमानों की सप्लाई चाहते हैं। जबकि अभी अमेरिका, यूके और जर्मनी ने यूक्रेन को अपने सबसे दमदार टैंक देने का वादा किया है, लेकिन जेलेंस्की की हथियारों की मांग थमने का नाम ही नहीं ले रही। बताया जा रहा है कि जो हथियार यूक्रेन की तरफ से नेटो देशों से मांगे गए हैं, उनमें 500 टैंक, 200 लड़ाकू विमान, 1000 तोपें, 1000 ड्रोन और 300 मिसाइल लॉन्चर शामिल हैं। साथ ही यूक्रेन ने मिसाइलों और गोला बारूद की लगातार सप्लाई की भी मांग की। मतलब ये कि जेलेंस्की की हथियारों की भूख लगातार बढ़ती जा रही है, वो भी तब जब पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन की मदद करने में जुटे हैं। इधर उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बीच कई इलाकों में बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में बर्फीले तूफान की संभावना है, जिसे देखते हुए SDRF और NDRF को अलर्ट कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फीले तूफान की संभावना है, जिसका असर जोशीमठ में भी पड़ सकता है। इस बीच न्यूज 18 के पास पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान की वो एक्सक्लूसिव चिट्ठी मौजूद है, जिसमें उसने ये दावा किया कि पाकिस्तान की सरकार ने अपनी सबसे बड़ी ताकत परमाणु बम का ही सौदा कर दिया। ये वही आतंकी संगठन है जिसने 30 जनवरी को पेशावर की मस्जिद में आत्मघाती हमला किया था, और अब उसने पाकिस्तान की जनता के नाम एक चिट्ठी जारी की। न्यूज 18 के पास TTP की वो एक्सक्लूसिव चिट्ठी मौजूद है, जिसमें उसने ये दावा किया है कि शहबाज शरीफ की सरकार पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत एटम बम का सौदा कर चुकी है। और इस चिट्ठी के जरिए TTP के आतंकी पाकिस्तान की जनता को भड़काने और अपने लिए माहौल तैयार करने में जुटे हैं, और लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के नेता भ्रष्ट हो चुके हैं, जिनके इशारे पर पाकिस्तानी सेना कठपुतली की तरह नाच रही है। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।